नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बहुत से वीडियो डाले कि कौन कौन से बीज हमें लगाने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी क्वेरी ऐसे बीज के लिए आती है, यानी कि हमारे स्टोर से ऐसे बीज लेना चाहते हैं जो कि अभी नहीं लगाने चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको बताया जाए कि इस टाइम पर हमें कौन कौन से बीज नहीं लगाने चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि जुलाई के अंदर हमें कौन कौन से बीज ऐसे हैं जो हमें नहीं लगाने चाहिए। नंबर एक, सनफ्लावर। देखिए, सनफ्लावर जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जनवरी के एंड से आप शुरू कर सकते हैं इनको लगाना, और ये पूरी गर्मी खिलते हैं। लेकिन अभी जो टाइम है वो क्या है, समर्स का जा चुका है। अभी क्या है, एक महीने की गर्मी और है, उसके बाद जो मौसम है चेंज हो जाएगा बिल्कुल। और इस टाइम पर जो है, जो सनफ्लावर है उसके अंदर जो सीड्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फूल है इसके अंदर जो बीज बनना शुरू हो गया है। देखिए, जो आपको ये चीज़ दिख रही है, इसके नीचे जो है सीड्स हैं, ये जो पक जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सूरजमुखी का फूल है, जो कि सीड्स, इसको, इसके सीड्स हार्वेस्ट करने के लिए है। ये बीज के लिए इस पर एक भी फूल दूसरा नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका बीज होगा। आप गार्डन एरिया में देख सकते हैं कितने फूल जो हैं सूरजमुखी के अभी खिले हुए हैं। सूरजमुखी का जो टाइम है अभी सीड्स लगाने का नहीं है, सीड्स हार्वेस्ट करने का है, यानी कि इनके सीड्स लगाने का टाइम अब जो है जनवरी के लास्ट में आएगा। अभी इनका जो टाइम है सीड्स हार्वेस्टिंग का है, हार्वेस्ट करेंगे। अगर आपने थोड़ा लेट लगाया तो आप थोड़ा लेट हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी जुलाई और अगस्त के अंदर इनके सीड्स ना लगाएं तो अच्छा होगा। वैसे अगर आप सीड्स लगाएंगे तो सीड्स लग जाएंगे, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको समर्स के अंदर मिलता है वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वो सनफ्लावर है। सनफ्लावर आप ग्रो मत कीजिए जुलाई अगस्त के अंदर। नंबर दो, कोचिया। कोचिया जो है ये भी फरवरी में ही लगाया जाता है, क्योंकि ये समर्स का है, ये पूरी गर्मी अच्छे से बढ़ता है और इसका जो शेप है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। इस टाइम पे इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये काफ़ी लेट लगाया था, तो इसमें थोड़े दिन बाद जो है सीड्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होगी, इनके जो लीव्स हैं इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा पत्तियों का, और जो प्लांट है वो सर्दियों में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अगर आप लगाएंगे जुलाई अगस्त में, तो आप समझिए कितने दिन आपको प्लांट तैयार करने में लगेंगे। जब तक ये थोड़ा तैयार होगा तब तक आपका जो प्लांट ख़त्म होने का टाइम आ जाएगा सर्दी की वजह से। तो इसलिए क्या है, इस कोचिया को भी जो है अभी हमें नहीं लगाना चाहिए। जुलाई अगस्त स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सर्दियों का जो कलेक्शन है वो जुलाई के लास्ट में या अगस्त में जो है आ जाएगा, फिर आप जो है विंटर के ही लगाइए। ये कुछ कोचिया के सीड्स जो है मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लगाए थे, ये वो है जो कि हमने काफ़ी लेट लगाए थे। ये भी ग्रो कर गए हैं, लेकिन इनमें भी बहुत जल्द जो है ऊपर की जो ये ब्रांच है इनमें जो सीड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला हमारा प्लांट है टिथोनिया। देखिए, टिथोनिया का जो फूल है ये भी जैसे कि सनफ्लावर है वैसे इसका जो प्लांट होता है बड़ा होता है। इसके फूल भी आपको जो है फरवरी में लगा लेने चाहिए, तभी इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसको धूप पसंद है, जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी ये उतनी अच्छे से खिलता है। ये जो प्लांट है काफ़ी, देखिए काफ़ी इसके सनफ्लावर के बीच में फंस गए, इसलिए इसके जो फूल अच्छे से खिल नहीं पाते, साथ ही इस पर जो मॉर्निंग ग्लोरी है वो फैल गई है, तो प्लांट ही आपस में उलझ गए हैं। अदरवाइज देखिए फ्लावरिंग इन पर स्टार्ट हो चुकी है। तो टिथोनिया को भी है आप अभी ग्रो ना करें तो अच्छा होगा, इनके सीड्स आप फरवरी के अंदर ही लगाइए नेक्स्ट सीजन में। अभी कुछ दिन वेट कीजिए, फिर मैं आपको जो है विंटर के जो कलेक्शन है उनके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा है इसमें जो सीड्स है वो बनने स्टार्ट हो गए, तो इसके सीड्स हार्वेस्ट करने का टाइम है, ना कि अभी इनके सीड्स लगाने का टाइम है। अब ये जो पत्तियाँ ये गिर जाएंगी और जो सीड्स है वो बनने शुरू हो जाएंगे। अगला हमारा प्लांट है जीनिया का। जीनिया का जो फूल है ये भी गर्मियों का फूल है, ये भी फरवरी के अंदर या जनवरी के लास्ट से आप इसको ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे लगाते हैं तो पूरी गर्मी जो है आपको ये अच्छे से फ्लोरिंग करता रहेगा, लेकिन इस टाइम पे इसको लगाना ठीक नहीं है। इस टाइम पे इसको, इसके जो सीड्स हैं वो हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। अगला हमारा प्लांट है गोमफेरना। गोमफेरना के जो फूल जो हैं ये भी समर्स के हैं, यानी कि गर्मियों में खिलते हैं, फरवरी के स्टार्टिंग में इनको लगा देते हैं या जनवरी के लास्ट में इनको लगाते हैं, तो पूरी गर्मी ये देखिए इस तरह से खिले रहते हैं। और इनके जो फूल है ये काफ़ी समय तक रुकने वाले हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन इस टाइम पर इसके सीड्स लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको ग्रो करने में टाइम लगेगा, तब तक जो सर्दियाँ वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि इनको अभी आप ना लगाएँ। अगर आपने ये लगा दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आगे इनके सीड्स ना लगाएँ तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने जो लगाए थे मैंने शायद मार्च अप्रैल में लगाए थे, मुझे फिक्स टाइम याद नहीं है, तो
तो इन पे फ्लोरिंग अच्छे से रही है अभी। अगला हमारा प्लांट है पोर्टुला का। देखिए ये जो प्लांट है ये भी समर्स का है, गर्मियों में इसके फूल बहुत अच्छे से खिलते हैं, आपने देखा भी होगा जैसे धूप तेज निकलती है तब इसके फूल अच्छे से खिलते हैं। तो ये क्या सर्दियों में जब सर्दियाँ तेज पड़ेगी तब तो देखना आप इसके जो प्लांट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ये दोबारा से फिर रीग्रो होते हैं फरवरी के अंदर। तो अभी इसके सीड्स लगाएं तो जब तक इसके सीड्स तैयार होंगे प्लांट बनेंगे तब तक इनमें फ्लोरिंग आना बंद हो जाएगी। अगर ग्रो भी कर जाएंगे तो सिर्फ इसके जो पत्तियाँ हैं वो आएगी, फूल नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा आप इसको फरवरी में ग्रो करें, अभी इनके सीड्स लगाना बंद कर दें। अगर आप चाहें तो इनकी जो कटिंग है वो ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्लांट है ग्लाडिया का। ग्लाडिया जैसे कि मैंने बताया सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला फूल का पौधा है। ये जो है फरवरी में लगाया जाता है और पूरी गर्मी यहाँ तक की जो सर्दियाँ शुरू होने तक, ये अक्टूबर तक भी चलता है। लेकिन अभी जो है जुलाई चल रही है तो अभी आप इसके सीड्स लगाएंगे तो ये कम टाइम तक खिलेगा। जैसे कि जुलाई में आप लगाएंगे तो जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो करेगा प्लांट फ्लोरिंग देने के टाइम पे पहुँचेगा तब तक जो सर्दियाँ वो शुरू हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि इनके सीड्स अगर आपके पास हैं तो उनको अभी रख लें और जनवरी के लास्ट में इनके सीड्स लगाएँ तो अच्छा रहेगा। दोस्तों बस एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी क्योंकि काफ़ी क्वेरी जो है ऐसे सीड्स के लिए आ रही थी कि हमें सनफ्लावर के सीड्स चाहिए, हमें ये सीड्स चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सबको, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, जैसे ही विंटर का कलेक्शन आएगा मैं आप सबको जो है बता दूंगा, हमारे स्टोर पर अपडेट कर दूंगा या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस बार विंटर में आप कौन कौन से सीड्स लगाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उस तरह के सीड्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।